ये पिच किया है दुनिया को बताया है कि अगले चंद सालों में ये मुल्क भारत कहां पर पहुंचेगा मुझे सबसे ज्यादा चीज जिसने स्ट्राइक किया है वो ये है कि आज जो अमेरिकन मीडिया है वो सबसे ज्यादा आज जो यहां पे खबर चल रही है कि अमेरिका हैज़ ऑलरेडी गिविंग देयर ऑलरेडी देयर गिविंग गिवन देयर गो फॉर इंडिया इन आ, इन परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल क्या मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के बली है क्या उनका दौरा पाकिस्तान मुमकिन हो पाएगा या जो उससे उम्मीदें वाबस्ता है, वो पूरी हो पाएंगी तो एम बी एस को हमने देखा कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने गले लगाया उनको वहाँ पर वेलकम किया इंडिया को आज ईद मनाने की जरूरत है पहली कामयाबी जी ट्वेंटी का इजलास उन्होंने करवाया दूसरा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा है बनने जा रहा नहीं बन गया हुआ है तय करें आप लिख लें एक तो ये कि जिस तरह से इस समिट को जॉइंट रेजोल्यूशन को इंडियन डिप्लोमेसी ने हैंडल किया है उसके नतीजे में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी को एक ग्लोबल लीडर की हैसियत से हमारे इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा आज कहां से बात शुरू करें आज तो हमारे पड़ोस भारत के अंदर एक बहुत बड़ा आ, डिप्लोमेसी का दिन था बल्कि सिर्फ पड़ोस में नहीं जिसने पूरी दुनिया को बड़ा इम्पैक्ट किया है जारी बात है साउथ एशिया को वेस्ट एशिया को यूरोप को मिडल ईस्ट को इवन के अमेरिकाज को भी डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी की जो पहले तो ये कहा जा रहा था कि वो कंसेंसस डेवलप नहीं कर पाएंगे लेकिन एक कंसेंसस ड्राफ्ट जो है वो भी जो रेजोल्यूशन है वो भी अप्रूव हो गया और उसके बाद हमने देखा कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में एक नया जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है आप कैसे देखते हैं क्या अमेरिकी सदर जो बाइडेन नरेंद्र मोदी साहब चाइना के मुकाबले में ये जो कॉरिडोर लेके आए हैं इसको कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान भी दोबारा वेस्टर्न ब्लॉक में आ जाएंगे सर वट यू मेक ऑफ दैट साहब मैं समझता हूँ रिमार्केबल इवेंट टुडे तो जो 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 जिस तरीके से चीजें आज सामने नजर आ रही हैं डिप्लोमेसी बल्कि इस डिप्लोमेसी को नया नाम दिया जा रहा है मोदी डिप्लोमेसी मोज डिप्लोमेसी जिसको कहा जा रहा है नया नाम है और इंडिया वे इसको नाम दिया रहा, जा रहा है जिस तरह कहा जाता है अमेरिकन वे और चाइनीज वे सो तो इंडिया वे तो मैं जो इस पे बात करना चाहूंगा कि आज हो क्या रहा है भारत के अंदर इस वक्त जो मुझे सबसे ज्यादा चीज जिसने स्ट्राइक किया है वो ये है कि आज जो अमेरिकन मीडिया है वो सबसे ज्यादा आज जो यहां पे खबर चल रही है कि अमेरिका हैज ऑलरेडी गिविंग देयर देयर ऑलरेडी गिवन गो हेड फॉर फॉर द सीट सीट इंडिया इन 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 अ अ परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल उसकी सपोर्ट उन्होंने दे दी है अब पता नहीं हाउ द चाइना एंड रशिया इज गोइंग टू बिहेव इस जी ट्वेंटी की आज की जो जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी अनाउंस अनौस, जो अनाउंसमेंट है वो मैं समझता हूँ यह है कि भारत इज वेरी गेटिंग वेरी क्लोज इन अवे फ्रॉम द गेटिंग नेशनिटी का ख्वाहिश थी जिसके लिए, जिसके जिसके लिए मोदी साहब अमेरिका आए फ्रांस गए यू ए गए जकारा गए और जो एक नैब्लाक में जिस तरीके से वो अपने आप को प्रमोट करते रहे भारत को प्रमोट करते रहे मैं समझता हूँ दिस इज एक्सट्रीम ऑफ इट और जिसकी वजह से उन्होंने दे आर गेटिंग टू दैट उसकी एक तो सबसे बड़ी आज सिग्निफिकेंस में ये समझता हूँ वो है दूसरा आज जो ये हुआ बिलखसूस जो इस जी को अंडरमाइन करने के लिए चाइना के प्रीमियर नहीं आए सदर नहीं आए उसके बाद पूटन नहीं आए मोदी जी का नौ घंटे के लिए ट्रिप जगाता लगाना वहां पे जाके मेरी टाइम रूल्स की बात करना वहां जाके साउथ चाइना सी की बात करना दरअसल हकीकत तो डायरेक्ट अटैक था ऑन द चाइना और वेस्टर्न जो एजेंडा था वेस्टर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन का का कंट्रीज उसको प्रमोट करना वो वो उन्होंने बड़े तरीके टेक्निक, से उसको इस्तेमाल किया फिर वापस आए आपने जिस तरह फरमाया कि मोहम्मद सुल्तान सोचने पर मजबूर हो गया है और बड़ी अचीवमेंट भारत को इसका क्रेडिट जाता है मोदी जी को क्रेडिट जाता है Uh, उसके बाद मैं दूसरा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का था उसको जिस तरीके से काउंटर करने की कोशिश की गई है कि भारत से किस तरीके से शिपमेंट जाए जो मैं बात करना चाह रहा था एक तो मैंने शायद आपको पहले बताया था पिछले सेगमेंट में कि इसका जो uh, uh, जो uh, जो इसका एक एजेंडा था जी20 uh, का ग्लोबल uh, एक ग्लोबल तो, साउथ के बारे में ग्लोबल ग्रोथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ और मैं समझता हूं उसमें बड़े सक्सेसफुली मोदी साहब ने जो आ, किया है भारत का इसमें फ्रेट के को किस तरह कम किया जाएगा और किस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर किया जाए और उस तरीके से अब उन, उनका जो प्लान था वो प्लान जो उन्होंने बनाया है कि यहाँ से शिपमेंट दुबई जाएगी और दुबई से ट्रेन के जरिए वो आगे यूरोप में जाएगी तो उन्होंने क्लियरली एक पाथ दे दिया है विच इज अकाउंटेड टू द आर अब बी की कमजोरियां क्या है मैं वो भी उनके भी मैं चाहूंगा

कैसे दुनिया की एक लीडिंग पावर बन चुका है और इंडिया ने इस टी की समिट में ये पिच किया है दुनिया को बताया है कि अगले चंद सालों में ये मुल्क भारत कहाँ पर पहुँचेगा और इस वक्त ये किस जगह पर खड़ा है इस वक्त इंडिया उस जगह पर है कि जहाँ पूरी दुनिया के लीडर्स इंडिया में उतरते हैं वहाँ पर उनको वेलकम किया जाता है और स्टेज पर जो पहिया लगाया गया जो व्हील आपने देखा मैं यह समझती हूं कि यह शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर इंडिया की चाइना को शतरंज की बाजी पर एक बहुत